हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत से ली गई है। यह हमारा पहला पाठ है और आज हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे कि आज़ादी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत कविता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है और इस कविता के माध्यम से कवि हमें आज़ादी के महत्व के बारे में हमें बता रहे हैं। यहाँ उन्होंने एक पक्षी की सहायता से हमें आज़ादी के महत्व को समझाया है और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किया है इस कविता के माध्यम से, जहाँ पक्षी पिंजरे में कैद होने पर अपनी व्यथा को किस प्रकार प्रकट कर रहा है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात पक्षी कहता है कि हम तो खुले आसमान में उड़ान भरने वाले हैं और हमें अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम अपनी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, उसकी तीलियों से टकराकर हमारे पंख, हमारी खुशी के जो पंख हैं, वो टूट जाएंगे। आगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम तो खुले आसमान में विचरण करते हैं और प्यास लगने पर नदियों का बहता पानी पीते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर निबोरी का मतलब है बच्चों नीम का फल। तो नीम का फल पता ही है आपको, जब नीम कितनी कड़वी होती है तो उसका फल भी कड़वा ही होगा। लेकिन यहाँ पक्षी कहता है कि हमें तो कड़वी निबोरी भी बहुत अच्छी लगेगी अगर कि हम खुले आसमान में विचरण करते हुए, खुले आसमान में उड़ते हुए हम वो निबोरी खाते हैं। लेकिन हमें यह कतई मंजूर नहीं कि हमें पिंजरे में बंद करके और बहुत अच्छा अच्छा खाना भी दिया जाए। हमारे लिए मैदा, यहाँ मैदा का तात्पर्य है बढ़िया खाना, यानी हमें पिंजरे में बंद करके अगर बढ़िया खाना भी दिया जाए तो वो हमारे लिए बेमाने है। और कड़वी नीम की निबोरी भी हमारे लिए बहुत भली है जो हमें आज़ादी से खाने को मिल जाए। चलिए बच्चों आगे हम देखेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। आपको पता है ना कि पक्षी बहुत ऊंची डाल पर भी बहुत आराम से, बहुत मज़े से झूला झूलते हैं। यहाँ पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अर्थात सोने के पिंजरे में बंद होने पर वे अपनी गति और अपनी उड़ान तक भूल गए हैं और सिर्फ उन्हें तो अब बस ये सपना ही देखने को लगा हुआ है, या वो अब सपने में ही सिर्फ देखा करते हैं कि वो किस प्रकार पेड़ की फुनगी, फुनगी का मतलब है पेड़ की ऊंची टहनी, पेड़ की ऊंची टहनी पर वे किस तरह से झूला झूला करते थे। कहने का मतलब है कि पिंजरे में बंद होने के बाद वे अपनी उड़ान भी भूल गए हैं और पेड़ की ऊंची टहनी पर झूला झूलना तो बस वो अपने सपनों में ही देख पाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चूगते तारक अनार के दाने। प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षी कहता है कि हमारे तो ऐसे अरमान थे कि हम नीले नभ की जो सीमा है उसे हम पार कर जाते अपनी उड़ान के माध्यम से। हम इतना ज़्यादा ऊंचा उड़ते कि हम उस आसमान की अंतिम छोर तक पहुंच जाते और लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी लाल लाल चोंच से हम अनार रूपी अनार के दानों की तरह उन तारों को चूक जाते जो आसमान में दिखाई देते हैं।
सोचिए उनकी कल्पना कितनी ऊपर, कितनी ऊंची उड़ान भरने की है, जहां वो तारों को अनार के दानों की तरह चूर लेना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन क्षितिज क्या होता है? क्षितिज क्या होता है बच्चों? जहाँ आसमान और पृथ्वी मिलता हुआ सा प्रतीत होता है ना, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो पक्षी कहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत दूर अनंत, वहाँ तक वो उड़ना चाहता है। सीमाहीन क्षितिज जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते से प्रतीत होते हैं, वहाँ तक वो उड़ना चाहता है अपने पंखों की सहायता से। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो उन्हें वो क्षितिज मिल जाता, या फिर उनके प्राण ही ना रहते। या तंती सांसों की डोरी का मतलब है, या तो उनके प्राण ही नहीं रहते। अर्थात होती सीमाहीन क्षितिज से का मतलब है कि वो उस क्षितिज तक उड़ना चाहता है अपने पंखों की सहायता से, या तो वो क्षितिज उन्हें मिल जाता या उनके प्राण ही चले जाते। निर्ण दो चाहे रहने को आश्रय छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पक्षी कहता है कि चाहे तुम हमें टहनी दो या ना दो रहने के लिए, हमारा चाहे आश्रय तुम तोड़ डालो, उनको तोड़ डालो, लेकिन अगर हमारे पास पंख हैं तो हमारी उड़ान में तुम बिल्कुल विघ्न ना डालो, बाधा ना डालो, हमें अपनी उड़ान भरने दो, हमें आज़ादी से रहने दो। थैंक यू बच्चों, आइए हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस कविता को जो आपने सुना, अगर आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाए, हमारी बातों को समझ पाए, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।